पत्रस ने यहोन्ना की ओर देखा। जॉन मस्ट हैव लुक्ड एट पीटर। और यहोन्ना ने शायद पत्रस की ओर देखा होगा। पीटर मस्ट हैव लुक्ड एट हिज सैंडल्स दैट आर नियर द डोर। और पत्रस ने अपनी चप्पलें ढूंढी होंगी जो दरवाजे के पास है। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू मच टू दिस लेडी। और वह इस महिला से ज्यादा बात करना नहीं चाहता। ही मस्ट हैव थॉट दैट आई विल मेक श्योर फॉर मायसेल्फ व्हाट शी इज टेलिंग। आई कैन नॉट बिलीव दिस। और उसने सोचा होगा कि मैं खुद जाकर देखता हूँ कि बात क्या है, क्योंकि मैं स्त्री पर विश्वास नहीं कर सकता। पीटर वाज लुकिंग अराउंड प्रोबब्ली फॉर हिज सैंडल्स। जॉन न्यू व्हाट ही इज थिंकिंग। और जब शायद पत्रस अपनी चप्पल ढूंढ रहा था तो यूहन्ना को समझ में आ गया कि क्या सोच रहा है। व्हेन देयर आर टू गुड फ्रेंड्स दे डोंट नीड टू मच ऑफ कन्वर्सेशन। जब दो अच्छे मित्र हों तो उन्हें एक दूसरे से बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं। अ फ्रेंड विल रिकॉग्नाइज व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग। और मित्र को समझ में आ जाता है कि दूसरा मित्र क्या सोच रहा है। So the Mary Magdalene, while she was just talking and she was there, Peter started and he started running towards the tomb. और जब मरियम मगदलीनी वहाँ पर खड़ी बात कर रही थी तो यूहन्ना ने वहाँ से दौड़ लगानी शुरू कर। Peter and John both started running. और पत्रस और यूहन्ना दोनों दौड़ने लगे। Peter was little heavyset probably and older. और पत्रस शायद मोटा होगा और बुजुर्ग होगा। And John was a teenager. और यूहन्ना जो था जवान था। And John started sprinting ahead like anything. और यूहन्ना आगे दौड़ गया। And John must be thinking of all the years that he has spent with Lord Shri Jesus Christ, how Lord Shri Jesus Christ loved him. और यूहन्ना ने शायद उन सारे दिनों को याद किया होगा जब प्रेष मसीह के साथ था कि प्रेष मसीह ने उससे कैसे प्रेम किया। John's guru, John the Baptist, had pointed him to this another guru, Lord Shri Jesus Christ, and he left his old guru and started following this new guru, Lord Shri Jesus Christ. और यूहन्ना का जो गुरु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसने प्रेष मसीह की ओर इशारा किया और यूहन्ना अपने पुराने गुरु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़कर प्रेष मसीह के पास चल दिया। Several thoughts must be going in the minds of John when he was running. और बहुत से विचार यूहन्ना के दिमाग में से गुजर रहे होंगे जब वह दौड़ रहा था। And Peter is following behind slowly and John is getting ahead and Peter is dragging behind and behind. और पत्रस पीछे पीछे होता जा रहा था और यूहन्ना आगे आगे दौड़ता चला जा रहा था। Peter was filled with remorse. और पत्रस को बहुत दुख हो रहा होगा। He must have thought when my guru and lord was alive, I denied him three times. और पत्रस ने सोचा होगा कि जब मेरा गुरु प्रेष मसीह जिंदा थे तो उस समय मैंने उनका तीन बार इनकार किया। When my guru was being beaten upon and he was very desperate and he was in the clutches of these people, I should have come up and boldly and I did not come. और जब मेरे गुरु को सताया जा रहा था उनको पीटा जा रहा था उनके पेशी हो रही थी उस समय मुझे पूरी हिम्मत के साथ आना था और मैंने ऐसा नहीं किया। But now I want to make sure that they don't try to disrespect my guru's body and I will try to do everything that I have to destroy them. किंतु अब मैं इस बात का निश्चय कर लेना चाहता हूँ कि वे मेरे गुरु के शरीर को अनादर न करें और मैं देखना चाहता हूँ कि सब कुछ सही हो। It was just beginning the sun to rise. और सूरज उगना शुरू ही हो रहा था। And John reached the tomb. और यूहन्ना कब्र पे पहुँच गया। The entrance of the tomb was probably 4 feet in height. और शायद कब्र का दरवाजा 4 फीट की ऊंचाई का था। He saw that the tombstone was kind of put away far from the face of the tomb. और जो कब्र के ऊपर लगा हुआ पत्थर कब्र से बहुत दूर पड़ा हुआ था। Sometimes teenagers when they are angry at their parents. और जब कई बार जवान अपने माता पिता से गुस्सा होते हैं। And my brother would be going out of the door and he will bang the door. और जब मेरा भाई बाहर जा रहा होता है तो वो दरवाजे को बहुत बुरी तरह पीट के बजाता है। John must have thought that somebody removed the stone as if what is the stone doing there? और यूहन्ना ने सोचा होगा कि उसी तरह किसी ने इस पत्थर को हटा दिया है कि ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है। Such a large stone, hardly a man can even tilt it a little bit and the stone is so far.
और ये इतना बड़ा पत्थर है जिसको एक व्यक्ति यहाँ तक कि जरा सा हिला भी नहीं सकता, वो इतनी दूर पड़ा हुआ है। मतलब लुक बिहाइंड व्हेयर इज दिस पीटर गाय, ही इज सो स्लो। और उसने पीछे मुड़ के देखा होगा कि पतरस कहाँ है, ये तो बहुत धीमे आ रहा है। He bent down and looked inside that room, in that room. और उसने नीचे मुड़कर कब्र के अंदर की ओर देखा। And the light was just beginning to go into the tomb. और कब्र के अंदर रोशनी आ ही रही थी। He saw that, you know, where the head of Lord Jesus Christ was. I don't see any head there. और उसने देखा कि वहाँ पर जहाँ पर यीशु मसीह का सिरहाना था, वहाँ पर मैं सिर को नहीं देख पा रहा। There was a handkerchief on the head of Lord Jesus Christ. That handkerchief was actually lying there flat. और जब यीशु मसीह के ऊपर जो कपड़ा सिर पर बंधा हुआ था, वह तो वहाँ पर पड़ा हुआ था। He could see part of the burial cloth there, but he could not make out very sure how it looks like. But there was no body there. और वह यीशु मसीह के जो कब्र में लपेटे कपड़े थे उन्हें देख रहा था, किंतु वहाँ पर शरीर को नहीं देख पा रहा था। He did not have the courage to go in. उसके पास अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। He thought that let me wait for Peter and then we will discuss and find out whether what should we do, whether should we go inside or not. और शायद वह सोच रहा था कि पतरस को आने दो, उसके बाद फिर विचार करेंगे कि अंदर जाना है नहीं जाना है। Then he saw Peter running slowly, panting and very very tired. और उसके बाद वो पतरस को दो हाफते और दौड़ते और बहुत थका हुआ दौड़ते हुए आते देखता है। He must be expecting that Peter will run and come and stop at the door and talk to him something. और वह सोच रहा था कि पतरस आएगा, रुकेगा दरवाजे पर और बात करेगा। Peter just ignored John. और पतरस ने यूहन्ना की कोई परवाह नहीं। He went straight in. और वह सीधे कब्र के अंदर चला गया। He went straight in and he knelt down near the bench where Lord Shri Jesus Christ was laid down. और वह अंदर जाकर जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया था, उस बेंच के वहाँ पर उसने घुटने टेके। He wanted to see from close what is happening here. और वह पास से देखना चाहता था कि यहाँ हो क्या रहा है। John saw Peter coming and he came right inside the tomb. और यूहन्ना ने पतरस को आते देखा और वह सीधे अंदर आ गया। He also bent down his head and he went inside the tomb and sat next to John. तो वह भी झुक के और कब्र के अंदर आ गया। Both of them started looking what had happened. और दोनों देखने लगे कि हुआ क्या है। And Nicodemus and Joseph of Arimathea had packed up the body very nicely in linen with all the spices which had looked like a cocoon, constricted on this side and constricted on that side, feet coming out from this side, head coming out from that side. और यूसुफ जो अर्मतिया का था और निकोदेमुस, दोनों ने मिलकर तो यीशु मसीह के शरीर को बहुत अच्छी तरह से सुगंध द्रव्य लगा के लपेटा था और वह ककून की तरह था जिसमें सिर एक तरफ से निकला हुआ था और पैर दूसरी तरफ से। Maybe the disciples must have given little bit help here and there also so they knew what the body looked like. और शायद शिष्यों ने भी थोड़ी बहुत मदद की थी, इसलिए उन्हें पता था कि शरीर किस तरह दिख रहा था। And they must have seen that you cannot take hold of the leg and pull the body here or take hold of the head and pull the body on the other side. Somehow the body had just vanished, evaporated. और वे इस बात को देख रहे थे कि सिर को पकड़ के भी खींच के उसमें से बाहर निकाला नहीं जा सकता, पांव को भी खींच के निकाला नहीं जा सकता, किंतु किसी तरह वह शरीर उसमें से गायब था।